करते हो प्रूफ की, और बहुत से लोग मुझे भी बता रहे थे कि प्रूफ 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 दिखाओ, स्क्रीनशॉट दिखाओ। मैं आप लोगों को एक बात बताता हूँ यार, देखो स्क्रीनशॉट देखने हैं तो स्क्रीनशॉट तो ऐसे भी होते हैं, है ना। तो यार एक चीज सोचो कि मैं स्क्रीनशॉट पहले रखूंगा ही क्यों। पहली बात यह है, अगर मैं प्यार करता हूँ ना किसी से तो मैं स्क्रीनशॉट क्यों रखूंगा। मेरे को पता ही नहीं है कि भाई वो सामने वाला इंसान मेरे को लाइफ में कभी बर्बाद कर सकता है, मैंने इतना ट्रस्ट इसके ऊपर किया था। बट इसने क्या किया, धीरे 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 सारा सामान इकट्ठा करती गई कि एक दिन ना जब मैं वीडियो बनाऊंगी कि हाँ भाई मेरे ऊपर शराब पीता है, मेरे को थप्पड़ मारता है, फिर गाली गलोच करता है, ऐसी वैसी चीजें। गाली गलोच का भी मैं अभी आपको क्लियर करता हूँ आगे आगे मैटर पूरा का पूरा, बस वीडियो में बने रहना। तो पता सच बात यह है शिवानी कि जो सच होता है ना उसे कभी भी आगे जाके सबूतों की जरूरत नहीं पड़ती है। सच तो सच है, अगर मैं यहाँ पे झूठ बोलूंगा ना कोई पॉइंट पे तो लोग समझ जाएंगे भाई। अगर तुम प्रूफ दिखा रहे हो, स्क्रीनशॉट दिखा रहे हो, है ना, तो वो तो बहुत से स्क्रीनशॉट जो नकली बन जाते हैं, कैसे भी बन जाते हैं। तो वैसे ही अगर मैं कोई गेम नहीं कर रहा हूँ, सिंपल से वैसे बोल रहा हूँ कि भाई नहीं है मेरे पास कुछ चीजें, एक दो स्क्रीनशॉट जो मेरे पास बचे हैं वो आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे मैसेज वाले, जो कि मैंने शायद से गलती से डिलीट नहीं किए, क्योंकि मैंने सारे के सारे प्रूफ दोस्तों इसलिए उड़ा दिए ना जब इसने दोगले के पीछे मतलब पैसे के पीछे मेरा साथ छोड़ दिया था। उस टाइम पे मेरे को इतनी नफरत हो गई थी ना कि मतलब मैं क्या बताऊँ। फिर भी मैंने 10-15 दिन के बाद इसको मैसेज करके बोला कि देख ऐसी बात है तो एक बार सॉरी फील कर ले, मेरे को बोल ले कि हाँ भाई ऐसे ऐसे हुआ है, अभी मेरे को ऐसा नहीं करना चाहिए था। उसके टाइम पे भी जब इसने कुछ भी नहीं आगे से किया ना दोस्तों, तो ऐसे में मेरा दिमाग इतना खराब हो गया था बाद में कि मैं जब व्हाट्सएप के ऊपर इससे चैट करता था ना तो द्वारा इसका वहीं पे नंबर देख के मेरा फिर से मन होता था मैसेज करने को, मैं खुद को रोक नहीं पाता था। कॉल्स ऑफ लड़ना 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 लड़ाई करते करते भी प्यार हो जाता है, तो मैंने इसकी चैट वहां पे डिलीट कर देता था। ये मानना है कि मैंने अपने यहाँ के सारे लोगों को जो ना भड़का दिया है ये बोल के कि शिवानी आपके बारे में बहुत घटिया बोलती थी कि सारे के सारे गद्दी लोग गंदे होते हैं, इनको अकल नहीं होती है, इनकी मेंटालिटी सही नहीं है। और मैंने भड़काया इसलिए क्योंकि मेरी सारी की सारी जो ऑडियंस है वो सारे के सारे लोग मेरे गद्दी है, तो ऐसे में अगर ऑडियंस को ही मैं भड़का दूंगा तो शिवानी को हेट तो मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन दोस्तों सच बता दूं ना तो सच ऑलरेडी मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि इसकी क्या सोचती मेरे कल्चर को लेकर, और ऊपर से अपने ही वीडियो में अभी ये सारा का सारा जो एक्सप्लेनेशन है ना वो भी देगी। अब देखो इसने बोला ना सच में होता था, आपको पता है मेरे यहाँ पे वॉशरूम नहीं है अटैच, तो ऐसे मैं पास में कभी खेत है कभी वहां चला जाता हूँ वॉशरूम करने, कभी मैं ऊपर की तरफ चला जाता हूँ, है ना, तो कभी हम नंगे पैर चले जाते हैं जल्दी जल्दी में, नंगे पैर कमरे में आ जाते हैं। अब आदतें बिगड़ी हुई है बचपन से क्योंकि गाँव में तो रहते हैं। अब ना कई बार ऐसा हुआ कि मैं इसके चंडीगढ़ फ्लैट में गया तो वहां पे मैं इसके वॉशरूम में जाने से पहले चप्पल पहनना भूल जाता था, मैं ऐसे चला जाता था, ऐसे वापस पे आ जाता था मतलब ना। तो ऐसे में ना इसने मेरे को मल्टीपल टाइम जो वो रोका टोकोगे कि तुम कितने गंदे लोग हो, तुम कितनी गंदी मेंटालिटी के लोग हो, तुम कल्चर तुम्हारा सुधर ही नहीं सकता, गद्दी के गद्दी रहोगे। और ऐसा नहीं, इसने बहुत बार बोला है गाँव में आकर भी कल्चर को लेकर भी, इस चीज को मुझे प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। और ऊपर से अभी शिवानी ये बोल रही है कि अगर मैं इतना हेट करती गद्दी कल्चर को तो मैं वीडियोज क्यों बनाती, मैं डांस क्यों करती। वो सारी की सारी जो खेल थी ना दोस्तों वो थी व्यूज और सब्सक्राइबर के लिए। वो लोग आप अच्छी तरह से समझ सकते हो, मुझे बोलने की जरूरत नहीं है। ऊपर से अभी ना मेरे को हंसी तो आ रही है, लड़की यहाँ पे ये बोल रही है कि मैं कितना हेट करता हूँ मुसलमानों को, खान लोगों को। हाँ दोस्तों सच बता देता हूँ, एक बार मेरी और शिवानी की बात चल रही थी, इसमें भी मैं अपने पापा की कसम खाता हूँ झूठ नहीं बोलता, तो उसने बोला था कि मैंने बीफ खाया था। बीफ मतलब मैंने सोचा कि यार बीफ तो होता होगा कोई झोटे झाटे का मांस, इसने बोला नहीं मैंने गाय का मांस खाया है और वो भी खाया है, इसने बॉम्बे साइड बता रही थी या कहाँ पे मेरे को अच्छे से याद नहीं है। तो उस चीज़ के ऊपर हमारी आपस में बहस होगी। मैंने कहा इंडिया में रह के तुम्हें कोई भी होटल या रेस्टोरेंट में बीफ मिल ही नहीं सकता, तुम खा नहीं सकते, और ये बहस करने को कभी नहीं मानती है, कभी मानेगी नहीं। तो इसने ना इतनी बहस करी फिर टॉपिक आ गया मुसलमानों पर, तो मैंने कहा यार तुम कैसे वो तुम अपने धर्म के इंडियन होके भी तुम ऊपर से गाय का मांस खाते हो। तो उसने बोला नहीं 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 ऐसा नहीं होता, मांस खाने वाले सब लोग इंसान ही होते हैं, अगर हम बकरी का खा सकते हैं तो गाय का खाने, कुछ ऐसी ऐसी सोच है भाई सच में इसकी लड़की की, थोड़ा होता है ना मतलब दिमाग से होता है कुछ, मतलब अपने अकॉर्डिंग ही चलती आई। तो ऐसे मैंने दोस्तों सच बता दूं तो मेरे को तब मैंने इसको बोला था ऐसा कि मैंने कहा जो लोग इंडिया में रहकर इंडिया की रिस्पेक्ट करना नहीं जानते हैं, जो कि भाई दूसरे मुल्कों के गुण गाते हैं पाकिस्तान की, तो उन लोगों से सच में उन खानों से मुझे नफरत है। बट जो इंडियन है दिल से इंडिया की रिस्पेक्ट करते हैं, उन लोगों को मैं बहुत प्यार करता हूं, प्लीज ऐसी बातों के बहकावे में ना आए। यहां पे हो सकता है कि आपको बहुत बड़ा से धर्म का मतलब पॉलिटिक्स और पॉलिटिशियन मुझे होना चाहिए, शिवानी जी ऐसा नहीं है, आप खुद की सोच को बदलो, खुद को सुधारो, मुझे पॉलिटिशियन बनाने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। तो अपना शिवानी का मानना यह है कि मैंने अपनी इज्जत बचाने के लिए अपनी माँ और बहनों को जानबूझ के आगे किया कि शिवानी मेरे बारे में ऐसा बोलती थी। तो शिवानी तुम जो ओ गॉड कर रही हो ना, ओ गॉड ऊपर बैठा है, और सच में तुम्हारी ये थिंकिंग थी, तुमने मेरे को मेरी बहनों से दूर किया है। मैं नहीं बैठता था बेड के ऊपर, कार में मैं एक साथ नहीं बैठ सकता था, जब बैठता था तब रोज लड़ाई होती थी तुम्हें, मतलब साथ में हम टीवी नहीं देख सकते थे, कुछ भी नहीं कर सकते थे, ये सच्चाई है। ठीक है, तुमने माँ के बारे में भी ऐसी बातें करी है, सच्चाई है। अगर तुम्हें लगता है ना कि मैं झूठ बोल रहा हूँ दोस्तों, आप लोगों को भी
इस चीज का प्रूफ तो नहीं दिया जा सकता, बट मैं इतना बोलता हूँ ना कि इन कंट्रोवर्सी को लेकर आपको पता है आज की डेट में ना मदर का बीपी भी थोड़ा हाई रहता है। शिवानी तुमने खुद ही मशीन ला के दी थी, तुम्हें पता है बीपी पेशेंट है वो, तो इसलिए भी बता रहा हूँ कि रुक जाओ, अभी यहाँ पे भी इमोशनल नहीं कर रहा। तो भाई मेरे घर जाने से पहले ना मेरी माँ मेरे को जिंदा ना मिले अगर मैं कोई पॉइंट नकली रख रहा हूँ तो शिवानी थोड़ी सी शर्म करो, बस इतना मान लो कि अपनी थिंकिंग को चेंज करो, तुम्हारे अंदर जो पोसेसिवनेस है समझो कि फैमिली में बहनें क्या होती है, माँ का रोल क्या होता है, और इसके बीच में ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता। तो ये सच्चाई है। अब नेक्स्ट पॉइंट ना इसने बोला है कि मैं अपने गद्दी कल्चर के लोगों के बारे में खुद ही भड़का के बोलता था कि हम लोग ऐसे होते हैं, हम लोग नहाते नहीं है, हम लोग ब्रश नहीं करते, हम लोग वहां जाते हैं। और ऊपर से इसने ये बोला कि मैंने जो है वो इतना भी बताया है कि हमारे गद्दी कल्चर में जो जीजा और साली है वो ऐसे चलते हैं। एक्चुअली ना दोस्तों थोड़ा सा सोच में फर्क होना चाहिए आपकी, तो आपको सारी की सारी चीजें पता चलती है। अब देखो शिवानी जो है ना वो है आपको पता है अच्छी तरह से आईटी में, इसमें लाइफ जो बहुत ज्यादा प्रोफेशनल है, मैं मानता हूँ। आप लोग किसी से भी हेलो करते हो, हाय और कैसे हो, ठीक हो, आप अफ्रीका में भी रहे हो जहाँ पे कि आई थिंक डायरेक्ट सोचे सीधे पहले किस करते हैं आके ना, तो हर जगह का एक डिफरेंट डिफरेंट कल्चर होता है। तो हमारे कल्चर में अब इसकी थिंकिंग देख लो कि क्या बोल रही है कि कैसे चिपकती थी बहनें, ऐसे करती थी, भाई ऐसा कुछ भी नहीं था, आप लोगों ने वीडियो में देखा है। अब मान के चलो जीजा यहाँ बैठे हैं तो मान लो छोटी सिस्टर रिया ऐसे बैठ गई जीजा के साथ में, तो उसमें क्या है यार, ये कल्चर में ना बहुत नॉर्मल चीज है। और जीजा के सामने सारी की सारी जो मेरी बहनें हैं, जीजा उन्हें सालियों की तरह नहीं बच्चों की तरह लेते हैं, ये चीज मैं तुम्हें बता दूं। और ये चीज तुम खुद भी मानती हो कि जीजू बहुत से इनोसेंट है, तो कोई गलत एंगल से ऊपर सिस्टर नहीं बैठ रही, तो आप उनको उस तरीके से डिफ्रेम नहीं कर सकते हो। तो मैं तुम्हें इतना ही बोलूंगा शिवानी कि अपनी थोड़ी सी सोच को बदल लोगे ना, थोड़ी सी सोच को।